गाइज, आई एम अक्षय भसीन एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज समन्स। और समन्स आपको सीपीसी के कहां कौन से प्रोविजन में मिलेगा, कौन से सेक्शन इसे गवर्न करते हैं, कौन सा ऑर्डर इसे गवर्न करता है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बात करें अगर हम समन्स की, तो हमने समन्स सीआरपीसी में भी हमने पढ़ा होगा, हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी हमने समन्स के बारे में पढ़ा होगा। जब हमें एक्यूज्ड को बुलाना होता है कोर्ट के अंदर तो हम समन्स भेजते हैं, समन्स से नहीं आता तो फिर हम वारंट इश्यू करते हैं, पहले बेलेबल फिर नॉन बेलेबल वारंट, उसके बाद हम उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं। सिमिलरली सिविल केसेस के अंदर भी समन भेजा जाता है, पर समन्स भेजने के बाद वारंट इश्यू नहीं किया जाता जैसे हम क्रिमिनल केसेस में करते हैं, सिविल केसेस के अंदर समन्स भेजा जाता सिर्फ। तो बात करें अगर हम समन्स की, तो समन्स हम भेजते हैं डिफेंडेंट को कब, जब प्लेंटिफ सूट फाइल कर देता है कोर्ट के अंदर। तो जब प्लेंटिफ सूट फाइल कर देगा कोर्ट के अंदर, तो डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ है, तो उसको ये बताने के लिए हम कोर्ट समन भेजता है डिफेंडेंट को, ताकि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई आपके खिलाफ सूट फाइल किया गया है और आप कोर्ट के अंदर विद इन जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है आप कोर्ट के अंदर आकर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। तो समन्स का जो बेसिक मतलब है, जो बेसिक एम है, वो है पार्टी को, डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना अबाउट द केस। तो आपको समन्स का जो सेक्शन है वो आपको मिलेगा सीपीसी में सेक्शन 27, 28 एंड 29 जो समन्स को गवर्न करते हैं, और ऑर्डर 5 आपका समन को गवर्न करता है। समन्स के बारे में आपको पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो आपको ऑर्डर 5 के अंदर मिल जाएगा। तो बात करें हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग समन, समन को इश्यू जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने एक मैक्सिम पढ़ा होगा ऑडी ऑल्टरम पार्टम, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मेन मैक्सिम है। तो ऑडी ऑल्टरम पार्टम का मेन मतलब क्या है कि भाई दोनों पार्टीज को पूरा सुनना। प्लेंटिफ ने अपनी बात रख के चला गया, प्लेंटिफ की बात हमने सुन ली, प्लेंटिफ की प्लीडिंग हमने देख ली, बट वी कांट एडजुडिकेट ऑन सोल बेसिस ऑफ प्लेंटिव। तो उसके लिए हम डिफेंडेंट को भी सुनते हैं, तो डिफेंडेंट को भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसीलिए हम समन डिफेंडेंट को भेजते हैं। अब हम बात करें समन्स की एसेंशियल्स की, तो समन के एसेंशियल्स के लिए हम रूल 1 एंड रूल 2 पे हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं ऑफ ऑर्डर 5, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी समन होता है, एवरी समन शैल बी साइन आइदर बाय द जज और एनी सच ऑफिसर जो जज उसको अपॉइंट करेगा, और हर समन पे कोर्ट की सील लगी रहेगी एंड इट विल बी एकम्पनीड बाय द प्लेंटिफ। ये हो गया आपका पहला एसेंशियल। और जो सेकेंड एसेंशियल होता है कि डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज, इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 90 डेज। एंड अगर हम बेयर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बेयर लैंग्वेज हमें एक वर्ड मिलेगा शैल। तो यहां पर जो हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 90 डेज, और जहां पर वर्ड शैल आ गया तो हमें लगता है कि इट इज मैंडेटरी, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ एनी पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हमें नहीं पता कि अगर 90 डेज में नहीं हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, इट इज नॉट मेंशन देयर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी। और इसको गवर्न करता है हमारा एक लीडिंग केस दैट इज सलेम एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो उसे गवर्न करता है सुप्रीम कोर्ट का, 2005 का लीडिंग केस है हमारा सीपीसी के लिए। और एक और केस है एवी पुरुषोत्तम वर्सेस एनके नारायण 2003 का ये केस है। आपको इसके अंदर भी ये शाल जो शब्द है मैंडेटरी नहीं है इसके बारे में मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं बेसिक जो मोटो है इसका वो है अपियरेंस इन पर्सन, तो जो डिफेंडेंट है जब उसको समन मिलेगा तो समन मिलने के बाद आइदर या तो वो खुद प्रेजेंट हो अपियर करे खुद, या फिर उसका जो प्लीडर है वो आकर प्रेजेंट करे अपने उस केस को जिसके लिए समन भेजा गया है। बट इसके अंदर भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो हमें मिलती हैं कि कब डिफेंडेंट नहीं आ सकता, कब हम डिफेंडेंट को एग्जेम्प्ट करते हैं प्रेजेंट होने से। समन हम भेजते हैं पर समन भेजने के बाद क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं जो हमें मिलती हैं, तो वो एग्जेम्पशंस हमें मिलेंगी सेक्शन 132, 133 में और साथ में रूल 4 ऑफ ऑर्डर 5 के अंदर। पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो रूल 4 है वो क्या कहता है। रूल 4 ये कहता है कि यदि हमें
अपियर करना है तो उसके लिए जो हम समन भेजेंगे इट शुड बी विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है जी। और एग्जाम कब हो जाएगा, जब वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन लिमिट में नहीं है। अब अगर वो आउटर लिमिट में भी है तो उसके लिए भी हमने एक पर्टिकुलर हमने एक प्रिस्क्राइब करा है, लिमिट प्रिस्क्राइब करी हुई है कि यदि वो 50 माइल्स, ठीक है जी, 50 माइल से अगर वो डिस्टेंस पे रहता है आउटर लिमिट्स में, तो उस केस के अंदर भी वो एग्जेम्प्ट हम उसे कर सकते हैं अगर 50 मील से दूर रहता है। 50 मील्स का अगर हम करें तो अप्रोक्स आपका ये हो गया 80-85 किलोमीटर्स के आसपास, और या फिर 200 माइल्स यदि कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं है उस केसेस में, उस केसेस के अंदर भी हम उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। तो 50 अगर आउटर लिमिट से अगर वो 50 मील से दूर है या फिर 200 मील अप्रोक्स 50 किलोमीटर्स के आसपास ही होगा जहां पर पब्लिक कन्वेंस नहीं है, यदि वो उससे दूर रहता है तो वहां पर फिर वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया का पहला एग्जेम्पशन जो हमें रूल 4 के अंदर मिलता है। अगला हमें मिलता है सेक्शन 132 से 133 के अंदर जो हमें एग्जेम्पशंस मिलते हैं, और वो एग्जेम्पशन ये है या फिर कोई ऐसी वुमेन जो पब्लिकली अपियर नहीं हो सकती है, ठीक है जी, अगर कोई ऐसी वुमेन जो पब्लिकली अपियर नहीं हो सकती है तो हम उसको एग्जेम्प्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे एग्जेम्पशन है जो हमारे इस कोड के अंदर स्पेसिफाई करे हुए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए हमारे, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और एनी अदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं जो हमें इसमें प्रिस्क्राइब करे हुए हैं वो आपके एग्जेम्प्टेड रहेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी अपियरेंस की। अब हम बात करते हैं कि समन जो हम भेजते हैं उसका कंटेंट क्या होता है, समन के अंदर हम लिखते क्या है, होता क्या है उसके अंदर। तो सबसे हमें पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि कंटेंट्स के बारे में हमें रूल 5 से लेकर रूल 8 तक, ऑर्डर 5 के हमें ये कंटेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो पहले हम बात करते हैं रूल 5। रूल 5 के अंदर बेसिकली क्या होगा, उस पर डेट फिक्स की जाएगी कि भाई जो भी ये हम समन भेज रहे हैं वो किस चीज के लिए है, सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए है या फिर वो फाइनल डिस्पोजल के लिए है, पहली चीज। तो फिर हम बात करें रूल 6 की, तो हम उसमें मेंशन करते हैं, हम एक सफिशियंट टाइम देते हैं डिफेंडेंट को कि भाई आप अपियर करो और अपना क्लेम जो भी है आपका क्लेम करो, जो भी आप चीज उसमें क्लेम करना चाहते हो या फिर आप कोई चीज रखना चाहते हो, तो आप हम उसको एक टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि इतने टाइम के अंदर आप आइए। दूसरी चीज अगर हम बात करें रूल 7 की, तो रूल 7 में हम बेसिकली उसे ऑर्डर करते हैं कि भाई आप सारी की सारी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कॉपीज जो भी आपके पोजेशन में है वो आप हमें लाकर यहां पर दीजिए। और हम बात करें रूल 8 की, तो रूल 8 में अगर हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए हम समन भेज रहे हैं, तो हम डिफेंडेंट को डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप सारे के सारे अपने एविडेंसेस विटनेसेस को यहां पर लेकर आइए। तो ये तो हो गया आपका समन्स के जो कंटेंट है। अब हम बात करें यदि मोड्स ऑफ समनिंग की, देखिए समन भी इसके अंदर कई तरीके से किया जा सकता है। तो समन करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है सबसे बड़ा जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी मोड ऑफ समनिंग, जिसको हम ये भी कह सकते हैं पर्सनल और डायरेक्ट समनिंग, जो आपको रूल 10 से लेके 16 और रूल 18 के अंदर आपको ये मिलेगा। तो हम बात करें इसके अंदर, तो हम इसमें ये कहेंगे कि ऑर्डिनरी मोड ऑफ समनिंग में क्या होगा कि हम डायरेक्ट डिफेंडेंट के हाथों में हम समन दे, और यदि डिफेंडेंट ना हो अवेलेबल, यदि डिफेंडेंट अवेलेबल नहीं है और हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि उसके घर के किसी एडल्ट मेंबर को हम ये समन प्रोड्यूस दे देते हैं हाथ में। तो हमने जब बात करके डिफेंडेंट को, या तो हम उसके हाथों में समन दे दें, किसी ऑथराइज्ड उसके एजेंट के हाथ में दे दें, या तो हम डिफेंडेंट के हाथ डायरेक्ट दे दें, या फिर डिफेंडेंट किसी ऑथराइज एजेंट को दे दें, यह आपको मिलेगा रूल 12 के अंदर। और यदि वो ना हो उसके घर में, हम किसी भी एडल्ट मेंबर को हम दे सकते हैं, पर उस एडल्ट मेंबर्स के अंदर सर्वेंट इंक्लूड नहीं होगा। सर्वेंट के हाथ में विटनेस देना, सॉरी समनिंग देना, वो आपका वैलिड नहीं है। एडल्ट मेंबर होना चाहिए, सर्वेंट नहीं होगा, सर्वेंट इज नॉट अ फैमिली मेंबर, ये आपको रूल 15 के अंदर मिलेगा। यदि अगर वो कोई किसी बिजनेस या कोई वर्क, इन केस ऑफ एनी बिजनेस और वर्क, तो उस केस में हम मैनेजर या फिर उसके एजेंट को हम समन दे सकते हैं, यह आपको रूल 13 के अंदर मिल जाएगा। और यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और डिफेंडेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, डिफेंडेंट यदि प्रेजेंट नहीं है, तो उस केसेस के अंदर हम किसी ऐसे बंदे को जो उस समय इंचार्ज है उस प्रॉपर्टी का, हम उसको समन दे सकते हैं, यह आपको मिलेगा रूल 14 के अंदर। और यदि को डिफेंडेंट्स हैं, एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, तो हर डिफेंडेंट को समन मिलना अनिवार्य है, इट इज नेसेसरी टू सर्व समन टू ऑल डिफेंडेंट्स।
अच्छा जी, इसके अंदर समन या तो हम आइदर ओरिजिनल दे देंगे या फिर हम उसकी कॉपी भी दे सकते हैं, ये आपको रूल 10 के अंदर मिलेगा। और हमें उस समन देने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी लेनी जरूरी है, जो हम से कह सकते हैं कि साइन कर दिया, या फिर हम उनके पास एक स्लिप होती है जिसमें हम साइन कर देते हैं, तो वो एक्नॉलेजमेंट लेना भी बनाना भी बहुत जरूरी है, ये आपको रूल 16 के अंदर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी मोड ऑफ समनिंग। अब हम बात करते हैं सर्विस बाय द कोर्ट, जो आपको रूल 9 के अंदर मिलेगा। अब सर्विस बाय द कोर्ट में क्या है कि जो आपका समन होगा ना, वो कोर्ट ऑफिसर्स या फिर कोई अप्रूव्ड कूरियर सर्विस जो कोर्ट अप्रूव करेगा उनके थ्रू भेज जाएगा। मतलब कि कोर्ट या तो भाई अपने कोर्ट ऑफिसर्स के थ्रू समन भेज सकता है, या फिर किसी अप्रूव्ड कूरियर सर्विस के थ्रू, और या फिर अब उसके अंदर भी जो सर्विस है उसमें या तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या RPAD, रजिस्टर्ड पोर्ट पोस्ट हम जिसे, तो RPAD का मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, हम उसके थ्रू भी इसमें भेज सकते हैं। तो कोर्ट, एक चीज में एक और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि सर्विस उन्होंने कर दी, कोर्ट ने सर्विस मतलब अपने समन भेज दिया अपने ऑथराइज्ड जो भी कूरियर सर्विस या कोर्ट ऑफिसर के थ्रू, और यदि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उस केस के अंदर वो वैलिड समनिंग माना जाएगा। और यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट जो हम बात कर रहे थे, हमने बात करी एक्नॉलेजमेंट बनाना भी बहुत जरूरी है, यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं है पर यदि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है समन के थ्रू के लिए, कि एक प्रॉपर वैलिड सर्विस दी गई है, समन प्रॉपरली बंदा लेकर गया है या फिर प्रॉपरली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजी है, तो उस केसेस के अंदर भी आपका जो समन है वो वैलिड माना जाएगा, यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं है तब भी। तो ये तो हो गया आपका सर्विस बाय द कोर्ट, जो आपको रूल 9 में मिलता है। तो यदि मैं बात करूं सर्विस बाय द प्लेंटिफ की, जो आपको रूल 9A के अंदर मिलेगा, उसके लिए सबसे लीडिंग केस है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2005 का केस है, लीडिंग केस ऑफ CPC जिसको हम कह सकते हैं, जिसे CPC के अंदर एक बहुत 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 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करे। तो यस, उसके अंदर भी ये चीज कहा कि कोर्ट परमिट करता है कि जो सर्विस है समन की वो प्लेंटिव भी कर सकता है डिफेंडेंट को, मतलब चाहे तो प्लेंटिव भी जाकर डिफेंडेंट को समन दे सकता है। तो ये आपको रूल 9A के अंदर मिलेगा, और ये केस मैंने आपको बताया है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन का, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक लास्ट हम बात करें सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की, सब्स्टिट्यूट सर्विस आपको रूल 17 और आपको उसके बाद 19 से 20 के अंदर आपको ये मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज। अब बात करें सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कि भाई हम एक चीज को दूसरे के साथ, जब एक चीज ना हो पाए तो हम उसको दूसरी चीज के साथ हम कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की बात कैसे करेंगे, जैसे हम CRPC के अंदर जब हम समन भेजते नहीं आता, फिर हम वारंट इश्यू करते हैं, वारंट के बाद हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हम उसके जो पोस्टर्स हैं, जो भी हम उसका जो नोटिस होता है वो हम उसके घर पे अटैच करते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली CPC के अंदर जब समन से वो नहीं आता, जब हमें डिफेंडेंट हमने भेजे वो नहीं आया, या समन हमें वो बंदा ही नहीं मिला, इसके अंदर हम समन भेजेंगे नहीं आएगा, तो वो तो रिफ्यूज होने के बाद भी एक्सेप्टेड माना जाएगा, बट बंदा ही नहीं मिल रहा, डिफेंडेंट हमें मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस के अंदर हम ये करते हैं कि हम उसके घर जहां पर वो रिसाइड कर रहा है, ठीक है जी, जो भी उसका घर है जहां वो रिसाइड कर रहा है, जहां पे उसने लास्ट रिसाइड करा है, वहां पे हम उसकी कॉपी अटैच कर देते हैं उसके दरवाजे पे, या फिर कोई भी ऐसा कंस्पिशियस पार्ट उस घर का जो क्लियरली विजिबल हो, हम वहां पे उस समन के कॉपी को हम पेस्ट कर देते हैं। ओरिजिनल कॉपी नहीं लगती वहां पे डुप्लीकेट कॉपी लगती है, ये आपको मिलेगा रूल 17 के अंदर। और जो हम ये एफिक्स करते हैं, ये जो कॉपी हम एफिक्स करते हैं, ये इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेस होता है,